मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपके एक टूरिस्ट गाइड बनी हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ नैनीताल कब जाएं, क्या क्या लेके जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके और कहाँ घूमें। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ और सब चीजों का वीडियो क्लिप भी दिखाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैनीताल हम कब कब जा सकते हैं। वैसे तो आप नैनीताल किसी भी महीने में जा सकते हो, लेकिन आप जुलाई से सितंबर महीने में नैनीताल जाना अवॉइड ही करोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बारिश के टाइम में पहाड़ी एरिया बहुत खतरनाक हो जाता है, लैंडस्लाइड के बहुत चांसेस हो जाते हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं और कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में नैनीताल जाते हो तो वहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है, और सर्दियों के टाइम में तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो आप ठंड के भी मजे ले सकते हो। तो आइए अब हम बातें करते हैं नैनीताल जब जाएं तो क्या क्या साथ में लेके जाएं। आप जिस समय नैनीताल जा रहे हैं तो उस टाइम में आप इंटरनेट पे जरूर सर्च कर लें कि उस समय नैनीताल के ट्रैवल गाइडलाइंस क्या है। जब आप गूगल सर्च करोगे तो उसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट उत्तराखंड ट्रैवल गाइडलाइंस। जब मैं गई थी तो उस समय आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी था और ई पास भी बहुत जरूरी था। आगे आपको वीडियो में मैं बता रही हूँ कि ई पास कैसे अप्लाई करना है। आप स्क्रीन पे एक ब्लू लिंक देख सकते हो, उसमें आप क्लिक करके ई पास आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्क्रीन पे आप सारे गाइडलाइंस देख रहे होगे, ये सब नैनीताल जाने के लिए सारे गाइडलाइंस जरूरी है। अब मैं आपको क्लिक करके दिखाने वाली हूँ कि ई पास कैसे अप्लाई करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा और फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर दो तो ऐसा थैंक यू का मैसेज आएगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का एक लिंक भी आ जाएगा, और क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो जो कुछ इस तरह दिखेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं नैनीताल कैसे जा सकते हैं। नैनीताल जाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आप एयर बस, टैक्सी, कार, ट्रेन किसी से भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन बताते हैं बाय एयर। नैनीताल से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंत नगर है, जो कि नैनीताल से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो पंत नगर के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो कुल मिला के ये ऑप्शन इतना बढ़िया नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बाय बस। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो बहुत सारी डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको नैनीताल के लिए, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से बस का चुनाव भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है टैक्सी, जो कि आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। चौथे ऑप्शन में आप नैनीताल अपने कार से भी जा सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब सबकी कोई छुट्टियां पड़ रही हो तो उस टाइम में आप अपनी कार से नैनीताल ना जाए, क्योंकि उस टाइम में पर्सनल कार को एंट्री नैनीताल में नहीं किया जाता है और 10 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा और आपको गाड़ी अपना वहीं पार्क करके 10 किलोमीटर बस से जाना पड़ेगा। तो अपनी कार का ऑप्शन तो छुट्टियों में अच्छा नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं बेस्ट ऑप्शन है नैनीताल जाने के लिए, वो है रेल। नैनीताल से रेल नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो कि 35 किलोमीटर दूर है नैनीताल से, और वहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है। दिल्ली से शताब्दी, रानीखेत बहुत सारी ट्रेन चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस तो नई दिल्ली से काठगोदाम सिर्फ 5.5 घंटे में ही पहुँचा देती है। फिर आप काठगोदाम से बस या टैक्सी लेके डायरेक्ट नैनीताल जा सकते हैं। जब मैं गई थी तो मैं काठगोदाम से एक टैक्सी बुक कर ली थी। आप जब नैनीताल के लिए जाओगे टैक्सी से तो रास्ते में आप बहुत ही खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हो, और आप रास्ते में कहीं कहीं रुक के आप फोटोशूट भी कर सकते हो।
ये लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, तो आप पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जा सकते हो। रास्ते में बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट कैफे भी मिल जाएंगे, खाते पीते आप आराम से नैनीताल पहुंच जाओगे। और ये मैं आपको नैनीताल का व्यू दिखा रही हूँ। मैं छुट्टियों के टाइम में गई थी तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। प्राइवेट गाड़ियों को तो यहाँ पे बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहा था। आप साइड में नैनी झील भी देख रहे होंगे, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नैनीताल में आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। नैनीताल में बेस्ट ऑप्शन है कि आप नैनी झील के सामने या फिर मॉल रोड में ही रुके। मैं कुछ होटल के नाम आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ कि इन होटलों में मैं रुकी नहीं हूँ। ये सारे होटल मैं आपको सिर्फ लोकेशन के बेसिस पे बता रही हूँ। मैं ठहरने से पहले आप जरूर अपने तरफ से रिसर्च कर लें। पहला होटल मैंने अलका दिखाया था, दूसरा एवरेस्ट, तीसरा इंडिया और चौथा लेक साइड इन, पांचवा क्लासिक और छठा ग्रैंड। ये सारे होटल मॉल रोड पे हैं और नैनी झील के बिल्कुल ठीक सामने। आप अपने बजट के हिसाब से मॉल रोड में ही किसी होटल का चुनाव कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप मॉल रोड से थोड़ा दूर में होटल लेंगे तो फिर आपको फिर चढ़ाई करना पड़ेगा, जिससे आपको मॉल रोड में आने जाने में परेशानी होगी। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप मॉल रोड में रहे झील के सामने और नैनीताल की खूबसूरती को एंजॉय करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे थंबनेल मिलेंगे जिसमें आप क्लिक करके मेरे और भी नैनीताल ब्लॉग देख सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं कि हम नैनीताल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो आप ऊपर मेरे लिंक पे क्लिक कर सकते हो। नैनीताल में तो वैसे घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ये 6 जगह तो बिल्कुल घूम लें। ये सारे 6 जगह आप एक दिन में ही कवर कर सकते हो। ये सारे 6 जगह मॉल रोड के ही आसपास है, जो कि है नैनीताल रोपवे, नैना देवी मंदिर, नौका विहार, नैनी झील और नैनीताल चिड़ियाघर और मॉल रोड की सैर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। आपका दिन शुभ हो।